तो अब हम बात करेंगे यूपीएससी के अंदर ऐसे कौन कौन से आए थे 2022 से स्टार्ट करेंगे। देखो मैं 23 का इसलिए नहीं करता क्योंकि देखो 23 वाला जो है एकदम रिसेंट है, कर लेंगे लास्ट में करेंगे ठीक है। तो हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मैंने ये नहीं किया ठीक है। सो यूपीएससी पीवाईक्यूज में ऐसे की बात करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात करते हैं 2022 में कौन कौन से आए थे। देखो भाई हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन क्या है ऐसे का, हमारे पास 3 आवर्स होते हैं, 3 आवर्स में हमारे पास है ना, 3 आवर्स होते हैं हमारे पास, 3 आवर्स में हमारे पास कितने ऐसे लिखने, 2 ऐसे, 8 ऐसे आते हैं। सेक्शन ए में से आपको कोई एक लिखना है ना, सेक्शन बी में से कोई एक लिखना है ठीक है। तो सेक्शन ए में ये 4 है और सेक्शन बी में ये 4 है ठीक है। सो ये 8 में से आपको कोई 2 ऐसे लिखना है और 1 ऐसे कितने में लिखना है, 1 ऐसे अराउंड 1000 to 1200 वर्ड्स टोटल जो बुकलेट है उसमें लिखा होगा कि दोनों को मिला के 2500 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोनों ऐसे को मिला के ठीक है। सो ये गाइडलाइन है। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले तो 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे सेक्शन ए के अंदर, तो 4 क्वेश्चन आए थे यार। फॉरेस्ट आर दी बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, पोइट्स आर दी एक्नोलेज लेजिस्लेटर्स ऑफ दी वर्ल्ड, हिस्ट्री इज द सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन, अ शिप इन दी आर्बर इज सेफ बट नॉट इज बट दैट इज नॉट वॉट अ शिप इज फॉर। ये सेक्शन ए में आया था 4। सेक्शन बी में आया था द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज वैन द सन इज शाइनिंग, यू कांट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, 3 है अ स्माइल इज द चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डजंट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। ये हमारे पास 8 ऐसे आए थे। इसमें से हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे अबाउट दी फर्स्ट वन विच इज द इकोनॉमिक ऐसे। यहाँ पे फॉरेस्ट आर दी बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, ये इकोनॉमिक ऐसे है। पॉइंट्स आर दी अन एक्नॉलेज रजिस्ट्रेटर्स ऑफ दी वर्ल्ड, ये क्या है भाई हमारे पास, ये देखो ये जो है हमारे पास एक फिलोसॉफिकल ऐसे है या फिर आप बोल सकते हो लिटरेचर के ऊपर है ये ऐसे जो है ठीक है, इट इज ऑन लिटरेचर। थर्ड जो है वो किसके ऊपर है यार, ये फिलोसॉफिकल है, ये भी फिलोसॉफिकल है ठीक है। सेक्शन बी के अंदर हम बात करें तो टाइम टू, ये भी फिलोसॉफिकल ऐसे है ना, और यू कांट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, ये क्या है भाई, ये भी हमारे पास फिलोसॉफिकल ऐसे है। स्माइल इज चूजन, तो ये भी देखो मैक्सिमम अब जो क्वेश्चन आ रहा है, पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आता था, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं यार फिलोसॉफिकल, 90% के जो क्वेश्चन हैं सेक्शन ए या सेक्शन बी वो फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं। तो इसमें आपको समझना है कि लिखना कैसे। देखो बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजी मतलब कैसे बनाते हैं यार चीज़ों को, कि पीछे में जाके पेज में कि क्या क्या हेडिंग्स पर लिखना है वो सब आप बना सकते हो है ना, वो सब आप बना सकते हो, बट हाँ हम यहाँ पर सीधा लिखना स्टार्ट करेंगे चीज़ें है ना। सो वो सब किया जा सकता है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं भी करते हैं, तो कुछ लोग सोच के लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे है ना, बट एक रफ आइडिया बना लेना माइंड में थोड़ा सा आसान होता है। बट हाँ यहाँ पे हम लोग ऐसे का पर्पस क्या है, ऐसे सॉल्व करने का पर्पस है कि एक कंटेंट बेस हम बनाएं जिस कंटेंट बेस को हम इस्तेमाल कर सकें नए ऐसे लिखने हैं। बिकॉज आप समझें जिंदगी में 2 ऐसे ही लिखने हैं भाई है ना, एक यूपीएससी के अंदर, तो उसके लिए आपको कंटेंट होना चाहिए। तो आपने जितने भी सपोज करो आपने 20-25 ऐसे, आपने सपोज करो 30-40 ऐसे आपने जिंदगी में लिखे होंगे, उससे ही कंटेंट आपको इस 2 ऐसे में डालना है यार, मैक्सिमम यही कोशिश करना है अपने को ठीक है। तो कंटेंट बेस बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे को सिर्फ लिखने का पर्पस क्या है, कंटेंट बेस बनाना है अपने को, चीजें हमको ढालनी है सिचुएशन वाइज। तो सबसे पहले तो स्टार्ट जो करेंगे ऐसे वो है फॉरेस्ट आर द बेस्ट, तो एक ओवरव्यू बनाते हैं कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस में हमारे पास लिखेंगे क्या, उसके बारे में हम एक ओवरव्यू बनाते हैं यार। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे बाय मैंशनिंग अबाउट वॉट, हमारे पास जो फॉरेस्ट है उसको अंडर रेट किया जाता है। तो इसे हमेशा ऐसे लिखने से पहले पीछे में एक रफ क्या क्या हम कवर करेंगे वो बना लेना चाहिए है ना। सो फॉरेस्ट जो है वो अंडर वैल्यूड है, उसके बारे में चीज़ें बताएंगे हम, और क्या उसके बाद हमारे पास ग्रीन ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं यार, है ना, कि कैसे हमारे पास फॉरेस्ट जो है वो फूड फाइबर्स टिम्बर्स प्रोड्यूस टिम्बर्स प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हम बात कर सकते हैं कि कैसे दिस आर द रिन्यूएबल सोर्स है ना, जो कि क्लाइमेट चेंज को कम करेंगे यार है ना, जो कि क्लाइमेट चेंज को कम करेंगे। ऑल्सो एक तरह से ये रिमोट एरियाज में भी अवेलेबल हैं, उसकी बात करेंगे ग्रीन ग्रोथ के अंदर है ना। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में है ना, कैसे वो रिलेटेड है फॉरेस्ट के साथ। हम गैबन कंट्री वर्ल्ड के एग्जाम्पल में हम गैबन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पर जो इनकी फॉरेस्ट के ऊपर जो पॉलिसीज थी, फॉरेस्ट के ऊपर जो रिफॉर्म्स थे और पॉलिसीज थी है ना, उन्होंने कैसे उनके जो जीडीपी ग्रोथ था उसको 2.5 से
4.7 तक ले गया यार ना। और किसकी बात कर सकते हैं इंडिया के अंदर, हम आंध्र प्रदेश की बात कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो फॉरेस्ट पॉलिसीज थी वहाँ पे उन्होंने एक तरह से जब उस पर ध्यान दिया गया तो रियल कैश इनकम था वो बढ़ा यहाँ पे, है ना। जो आउट माइग्रेशंस थे दूसरे देश में, जो दूसरे जगह जो काम करने के लिए जाते थे वो क्या हुआ, कम हुआ। और एक तरह से जो डेंस फॉरेस्ट कवर था वो बढ़ा, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम MSMEs के ऊपर जो ध्यान दिया गया उसके ऊपर बात करेंगे, उसकी वजह से जो चेंजेस आए, है ना। पेपर की बात करेंगे, जो वुड है पेपर कहाँ से मिलता है, वुड से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है यार, कंजम्पशन पर कैपिटा, कंजम्पशन जितना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम बता सकते हैं। हम फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट का जो रोल है उसकी बात कर सकते हैं, फॉरेस्ट का रोल इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, लाइक फॉरेस्ट का कैसे एक वाटरशेड का काम करता है ना, कैसे अंडर वैल्यू किया जा रहा है इसके फॉरेस्ट के, है ना, वाटरशेड होने को, क्योंकि हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट को फ्रॉम सॉइल्स, ठीक है। तो एक तरह से हमारे पास जो सर्विसेज हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज जो हैं वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करेंगे, लाइक ये हमारे पास वाटर शेड का काम करता है, हमसे वाटर प्रोवाइड करता है यार, वाटर शेड का काम करता है ना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, रिक्रिएशन एक्टिविटी में, लाइक नेशनल पार्क्स की बात कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात कर सकते हैं, सेंचुरीज की बात कर सकते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर पे ऊपर ध्यान दिया जाता है, टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और किस चीज़ की बात कर सकते हैं, कैसे ये जीन पूल को मेंटेन करता है वो बता सकते हैं यार, कैसे बहुत सारे गुड्स हमको ये प्रोवाइड करता है, लाइक टिम्बर हो गया, है ना, हमारे पास लाख हो गया, रेयन की बात कर सकते हैं, फाइबर्स की बात कर सकते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करता है बहुत सारा। ओके, हमारे पास फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन अगर GDP के टर्म में बात करें कि ये बहुत बड़ा है यार, अगर फॉरेस्ट सिस्टम सर्विसेज की कंट्रीब्यूशन की बात करें, इट इज़ मोर देन $250 बिलियन, ठीक है ना, जो कि ज़्यादा है गोल्ड एंड सिल्वर के कंबाइंड से। और किसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे, हम बात कर सकते हैं अबाउट दी एम्प्लॉयमेंट के, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है यार हमारे पास, है ना। एक प्रकार से आप फॉरेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, बोथ इन दी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, हम उसकी बात कर सकते हैं, कैसे फॉर्मली अराउंड 13 मिलियन पीपल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, एंड इनफॉर्मल में तो हम बता नहीं सकते, अराउंड 20 to 40 मिलियन पीपल्स इन्वॉल्व है। तो वर्ल्ड वाइड अराउंड 1.5 to 1.2 बिलियन पीपल्स आर इन्वॉल्व इन दिस, है ना। इको सिस्टम सर्विसेज की बात कर सकते हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज की बात कर सकते हैं यहाँ पे। हमने लास्ट में कंक्लूजन के अंदर हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि देखो भाई कैसे अंडर वैल्यूड किया जा रहा है फॉरेस्ट को, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास NFTP की बात कर सकते हैं, नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस के अंदर चीज़ें जो हैं वो एक तरह से बॉटल नेक के जैसे काम कर रही हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। गवर्नेंस की जो दिक्कतें हैं, मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है, इलिक्विड थिंग्स जो हैं वो हम यहाँ पे कंसर्न्स को बता के कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ ओवरव्यू यार, जो कि हम यहाँ पे इसके ऊपर समझेंगे, इसके ऊपर एक से लिखेंगे, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक एक्सीलेंस। इकोनॉमिक एक्सीलेंस, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, ये एक इकोनॉमिक ऐसे है, उसके बाद जितने भी ऐसे सब फिलोसॉफिकल हैं, लिटरेचर वाला है, बाकी सब फिलोसॉफिकल है। तो उस स्टार्ट करेंगे, पहले इकोनॉमिक ऐसे देखेंगे, स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट फॉरेस्ट आर दी और फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट मिसमैनेज्ड रिसोर्सेज इन आवर और इन मैनी कंट्रीज, एंड दिस इज पार्टली बिकॉज फॉरेस्ट आर सीरियसली अंडर वैल्यूड एंड मैनी ऑफ देयर इन्वायरमेंटल वैल्यूज जो है, या फिर इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स जो है, वो मार्केट वैल्यूज के कैप्चर नहीं किए गए हैं। अंडर वैल्यूड एंड मैनी ऑफ देयर
इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स आर नॉट कैप्चर्ड बाय मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो हम ऐसा एक चीज़ जो शुरुआत में गलती हो जाती है कि लोग पॉइंट वाइज ऐसे लिखना चालू करते हैं, बट ऐसे को पॉइंट वाइज नहीं, हमेशा पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है ऐसे को। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया जाता, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी को अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, तो एक एग्जामिनर जो है फ्लो में कहानी टाइप का ऐसे को पढ़े, ऐसा हमारे को ऐसे लिखना है। ठीक है, सो ये हमने लिखा, फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट मिसमैनेज रिसोर्स एंड इसकी वैल्यू को अंडर वैल्यूड किया जाता है अभी, बिकॉज इसकी इन्वायरमेंटल वैल्यूज को लोग समझते नहीं हैं। यहाँ पे अनकोऑर्डिनेटेड जो पॉलिसीज हैं, फुल स्टॉप को अच्छे से बनाना है यार यहाँ पे, अनकोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के अंदर, माइनिंग के अंदर एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के अंदर, और ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज के अंदर ऑल्सो अफेक्ट फॉरेस्ट कवर एंड अच्छे से प्रोग्राम अगर नहीं बने, सो पुअर प्रोग्राम या फिर पुअर गवर्नेंस हैज फ्यूल्ड करप्शन, रेंट सीकिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज़। ये पहला बार आपने हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि फॉरेस्ट को मैनेज नहीं किया जाता ठीक से, इसकी वजह से करप्शन आ रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। एट द सेम टाइम फॉरेस्ट हैव अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन व्हाट, इन ग्रीन ग्रोथ फॉरेस्ट कैन हेल्प मीट द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर फूड, फाइबर, बायोफ्यूल, शेल्टर एंड अदर बायो प्रोडक्ट्स एज दी वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज टू, हमने देखा कि 9 बिलियन हो गया जाएगा भाई, अभी तो 8 बिलियन के अराउंड है, 2050 तक 9 बिलियन हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो फॉरेस्ट की जो नीड है वो और भी बढ़ रही है यार, बिकॉज फॉरेस्ट रिसोर्सेस आर सोलर पावर्ड, रिन्यूएबल एंड दे स्टोर कार्बन, तो उससे पॉल्यूशन भी कम होता है। एंड एज दे ग्रो दे हैव वॉट, दे हैव द पोटेंशियल रिड्यूस जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है एंड क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, मिटिगेट क्लाइमेट चेंज बाय टेकिंग द प्लेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल मटेरियल एंड सब्स्टिट्यूट फॉर वॉट, फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉरेस्ट सेक्टर है,
फॉरेस्ट सेक्टर इज ऑल्सो एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जॉब्स। और हम बात करें तो पर्टिकुलरली जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे, बिकॉज ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, देर आर फ्यू इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स। अगर हम बात करें कि जो वर्ल्ड बैंक या फिर जो प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट है, उसने बोला कि फॉरेस्ट जो है ना, क्या रोल रहा है उसका, तो यहाँ पर अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक एंड द प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट कहाँ पे हुआ था? वर्ल्ड बैंक ने कराया था इसको, हेल्प गवर्नमेंट स्टीयर इकोनॉमिक पॉलिसी इन अ फॉरेस्ट फ्रेंडली वे। इम्प्रूविंग द गवर्नेंस ऑफ द फॉरेस्ट सेक्टर सो दैट इट इज मोर ट्रांसपेरेंट एंड अराउंड। जो हमारे पास एसेज जो होना चाहिए अराउंड 8 पेजेस में ख़त्म हो जाना चाहिए यार, है ना, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है ना, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेस्ट सेक्टर डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर हम बात करें वो 7 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टोटल ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस जो जो प्राइवेट सेक्टर देता है। ओके, सो बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेस्ट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज इज 7 टाइम्स ग्रेटर देन द टोटल ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, जो कि कितना है भाई, अराउंड US$1.5 बिलियन जो मिलता है, सॉरी 5 बिलियन, वो किसके लिए ज़्यादा है? फॉरेस्ट सेक्टर के लिए ज़्यादा है। सो इट इज एसेंशियल टू एंगेज द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें क्या क्या आएंगे यार, इंक्लूडिंग स्मॉल एंड मीडियम फॉरेस्ट एंटरप्राइजेस टू अचीव व्हाट, टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। ओके, अगर हम गैबोन की बात करें, एक कंट्री है भाई जहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना कुछ इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनाई यहाँ पे। सो इन गबून अ कंट्री रिचली एंडाउंड विथ फॉरेस्ट रिसोर्सेस द
गवर्नमेंट कंसीडर फॉरेस्ट अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रिसोर्स रिफॉर्म सपोर्टेड बाय दी वर्ल्ड बैंक हैव हेल्प मेक दी अवार्ड प्रोसेस फॉर कंसेशन इंक्रीजिंगली कंपिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट जो फॉरेस्ट टैक्सेशन रिकवरी है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रेंदन किया गया है यार, है ना। राइजिंग फ्रॉम अ 40% टू एन 80% टैक्स कलेक्शन। तो हम गबून की केस स्टडीज की बात कर रहे हैं, है ना। रेट फ्रॉम 2005 टू 2010 में जो टैक्स कलेक्शन रेट था वो यहाँ पे इतना बढ़ा है, तो यहाँ पे जो अबाउट 85% जो टैक्स है ना, तो यहाँ फॉरेस्ट है, मतलब अराउंड 85% ऑफ द प्रोडक्टिव फॉरेस्ट एरियाज आर नाउ एंगेज इन व्हाट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एरियाज नाउ एंगेज इन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिफॉर्म्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट्री सेक्टर टू गबून, पहले 2.5% था गबून के जो जीडीपी के अंदर है, जीडीपी के अंदर जो था कंट्रीब्यूशन वो 2.5 था हमारे पास, 2.5% 2005 या फिर 2004 के अंदर बोल सकते हैं। उससे जो 4.7% हो गया इन 2009। तो हमने केस स्टडी की बात की जैसे गबून का कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट, तो ग्लोबल लेवल में हमने बात की, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस की बात की, फिर ग्लोबल लेवल पे हमने बात की, वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग हमने इंपॉर्टेंस की बात की कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। इंडिया की अगर बात करें सो इन इंडिया आंध्र प्रदेश की जो बात है, इन्होंने जो सपोर्ट किया फॉर स्मॉल एंड मीडियम फॉरेस्ट बेस्ड एंटरप्राइजेस इट इंक्रीज्ड व्हाट रियल कैश इनकम अमॉन्गस्ट फॉरेस्ट यूजर ग्रुप बाई 53%। सीजनल आउट माइग्रेशन डिक्लाइन बाय 23%।
द क्वालिटी ऑफ डेंस फॉरेस्ट कवर इन दिस एरियाज इंक्रीज्ड एज वेल। तो हमने देखा कि कैसे फॉरेस्ट पे फोकस करते हैं तो चीज़ें का अच्छी होती है। सो ऑल्सो फॉरेस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सेल्व रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। जो हमको देखने को मिला जो वुड दैट इज ग्रोन इन फॉरेस्ट सर्व्स एज व्हाट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रूरल हाउस होल्ड। कि सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रूरल हाउस होल्ड। हमने देखा कि दुनिया का जो पेपर है वो भी किससे बनता है, वुड से बनता है रादर देन रिलायबल इंडेक्स हमारे पास। एंड एक तरह से है ना, मतलब एक तरह से रिलायबल इंडेक्स है यार, डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री पर कैपिटल कंजम्पशन जितना पेपर का हो रहा है उतना ज़्यादा वो डेवलप हो रहा है, इस प्रकार से नापा जाता है। तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं दैट है ना, फॉरेस्ट की बात करनी है ना, तो मोस्ट ऑफ दी इज मेड फ्रॉम वुड एंड वन रादर रिलायबल इंडेक्स टू दी डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज इट्स पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेपर बिकॉज एज एन इकोनॉमी डेवलप इकोनॉमिकली पेपर इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल ना, पैकिंग मटेरियल में कम्युनिकेशन के अंदर एंड इन कोर्स ऑफ अदर यूजेस। और बहुत सारे यूजेस हैं बट नो रेली सेटिस्फैक्टरी सब्स्टिट्यूट ऑफ पेपर। आज के ज़माने में नहीं है यार फॉर मैनी ऑफ इट्स यूजेस। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं दैट वाइल इट हैज लॉन्ग बिन, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, इट इज हैज लॉन्ग बिन रिकॉग्नाइज दैट जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Nice that forest play many roles in the
डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एडिशन टू प्रोवाइडिंग वुड फाइबर फॉर मैनी यूजेस दी नॉन वुड आउटपुट्स ऑफ फॉरेस्ट आर कमिंग इंक्रीजिंगली टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड वैल्यूड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. फॉरेस्ट हैव वाटरशेड वैल्यूज. स्पेशली अगर हम बात करें इन एरियाज विथ फ्रेजाइल एंड इजिली इरोडेड सॉइल, ज्योमेट्री कवर है, इट मे बी हाईली वैल्यूएबल सिंपली एज प्रोटेक्शन टू द वॉटरशेड, है ना. फॉरेस्ट जो थे एक तरह से आउटडोर रिक्रिएशन का एक जगह भी है यार, उसकी बात कर सकते हैं. दैट फॉरेस्ट्स आर फॉरेस्ट घर से तोड़ देना, फॉरेस्ट इज फॉर रेस्ट. फॉरेस्ट आर वैल्यूड एज अ प्लेस फॉर आउटडोर रिक्रिएशन. द काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल फॉर आउटडोर रिक्रिएशंस आर नॉट ऑलवेज द सेम एज द काइंड्स most valuable for wood production and vice versa. जो dense forest है, dense forest with trees closely spaced to take full advantage of the sunlight, moisture and fertility to grow wood is often less attractive to the creationist that a more open forest. Forest जो है बहुत सारे species के घर भी हैं, like mammals रहते हैं, reptiles रहते हैं, birds रहते हैं, wild life में उसकी बात कर सकते हैं. that forest are the homes for many species of wildlife
इंक्लूडिंग मैमल्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स सम ऑफ दिस फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ आर क्लियरली वैल्यूएबल टू मैन। इकोलॉजिस्ट हैव बीन मच डिस्टर्ब एट द रिडक्शन इन वाइल्ड लाइफ नंबर्स समटाइम्स टू द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन एज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड। तो अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट सर्विसेज की बात करें दैट इज प्रोवाइड बाय द फॉरेस्ट, तो सम इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट आर लाइक वाटर की बात कर सकते हैं यार, पीने का पानी ना, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब रेन वाटर एंड रिलीज इट ग्रेजुअली इनटू द स्ट्रीम्स। कैसे ऑल्सो इट प्रिवेंट्स फ्लड। और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यार फॉरेस्ट, अगर हम बात करें तो एक वाटर शेड का काम भी करते हैं है ना, जो सॉइल है उसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम इरोडिंग यार। फॉरेस्ट कीप्स सॉइल फ्रॉम इरोडिंग इनटू रिवर्स। ऑल्सो यहाँ पे हम क्लाइमेट के ऊपर रोल की बात कर सकते हैं, जो फॉरेस्ट है वो स्टेबलाइज करते हैं इकोलॉजिकल, एक तरह से स्टेबिलिटी को एक तरह से स्टेबलाइज करते हैं यहाँ पे इकोलॉजी को। सो फॉरेस्ट स्टेबलाइज आवर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। हम यहाँ पे रिक्रिएशन की बात कर सकते हैं, फॉरेस्ट सर्विस और फॉरेस्ट सर्व पीपल डायरेक्टली फॉर रिक्रिएशन जो नेशनल पार्क्स हो गए या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए या फिर जो सेंचुरीज हैं आर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। बायोस्फीयर रिजर्व आर मल्टी पर्पस प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएटेड टू डील विथ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
इट्स सस्टेनेबल यूज। इन बायोस्फीयर रिजर्व्स जो लोकल एरिया रिसोर्सेज हैं आर डेवलप्ड, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज ऑल्सो परमिटेड, दिस आर अलाउड टू द लोकल कम्युनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड टू द पीपल। टूरिज्म भी एक तरह से देखने को मिलता है, टूरिज्म इन पार्क्स सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ब्रिंग व्हाट ब्रिंग्स रिवेन्यू टू द अथॉरिटीज दैट मैनेज देम। ये तो हो गया हमारे पास रिक्रिएशन का काम कर सकता है फॉरेस्ट यार, इसे एक तरह से जो जेनेटिक रिसोर्स है उसको मेंटेन भी करता है फॉरेस्ट। सो मेंटेनेंस ऑफ द पूल ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस, फॉरेस्ट कंटेन्स डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज हैबिटेट्स एंड जीन्स दैट कैन प्रोटेक्ट कमर्शियल प्लांट स्ट्रेन अगेंस्ट चेंजिंग कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट। और ये बहुत सारे कुछ गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं यार फॉरेस्ट हमारे पास, सो उसकी बात कर सकते हैं लाइक प्रोवाइडेड by forest are food, biomass, pulp and paper, rayon, fibers, लाख हो गया, wooden आर्टिकल्स या फिर जो मेडिसिन के प्लांट्स हैं उसकी बात कर सकते हैं। इवन हमने देखा कि एक तरह से इसके जो रोल है उसको फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसे एक मॉनेटरी वैल्यू भी कैलकुलेट किया गया है यार। सो इवन इफ ओनली दी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियली रिपोर्टेड मॉनेटरी कंट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट टू द इकोनॉमीज ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड आर टेकन इनटू काउंट, दे एक्सीड्स व्हाट, कितना वैल्यूज एक्सीड करते हैं $250 बिलियन
इजिली मोर देन द डबल ऑफ द फ्लो पेट्रोल डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो मिलता है मोर देन डबल द फ्लो ऑफ टोटल डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड मोर देन द नॉर्मल और मोर देन द एनुअल ग्लोबल आउटपुट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंबाइंड ग्लोबल आउटपुट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंबाइंड ये एंड दिस डायरेक्ट कैश एक्सचेंज contribution of forest represent approximately 1% of the global output data gaps and AB absence of reliable information are major problem in estimating the economic contributions of forests beyond what is available in official reports. Okay, और हम बात करें country and region specific efforts indicate that where such data will be available, the non-cash economic contribution of forest to household and national economies range between 3 and 5 times the formally recognized or जो cash contribution है उसके 5 times the formally in addition अगर हम बात करें addition to their direct cash and non-cash economic contribution forest also provide substantial level of employment कितना भाई more than 13 million peoples
आर एम्प्लॉयड इन फॉरेस्ट सेक्टर एक्टिविटीज इन दी फॉर्मल सेक्टर इन दी फॉर्मल सेक्टर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम फॉरेस्ट एंटरप्राइजेस अनदर 40 to 60 मिलियन पीपल मे बी एम्प्लॉयड वंस अगेन हावेवर दी लैक ऑफ सिस्टमेटिक डाटा मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट क्लोजली हाउ मैनी पीपल एम्प्लॉयड इन दी फॉरेस्ट सेक्टर एस्टिमेट्स जो नंबर ऑफ पीपल है दे आर लिविंग ना एस्टिमेट्स ऑफ दी नंबर ऑफ पीपल डिराइविंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट इन दी फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू लाइवलीहुड्स एंड इनकम्स जी कितना से कितना तक इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बात करेंगे विच रेंज बिटवीन वन बिलियन टू 1.5 बिलियन ओके इतने लोग यहाँ पे मेनली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं है ना ऑल्सो एंड अनलाइक मोस्ट अदर सेक्टर फॉरेस्ट ऑल्सो contributes massively to the ecosystem service that humans value, even if they are not traded. Or even if it is difficult to put an economic figure on that value. Different economic
वैल्यूएशन स्ट्रेटजीज पैक दी इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द नेबरहुड ऑफ एडिशनल हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर। फॉरेस्ट इन नेबरहुड ऑफ एडिशनल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एब्सेंस ऑफ एग्रीगेटेड डाटा ऑन दी लास्ट पैराग्राफ होगा यार, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटेड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस NTFR that and NTFP that is non timber non timber forest products and their values and the lack of information system that can incorporate such data systematically are major bottlenecks in a better understanding of forest sector contributions. They also represent a deficiency when it comes to improve management so as to enhance the total economic contributions of forest. Indeed, the effective absence of information on the value of such benefits from forest has meant an overemphasis in forest governance systems on managing forest for products that are highly visible, formally cognized.
एंड विथ कैश मार्केट वैल्यूज, जो ये इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस मीन्स दैट ऑफिशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स आर इलिक्विप टू इम्प्रूव दी लार्जर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉरेस्ट प्रोवाइड थ्रू नॉन कैश वैल्यूड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस। कॉन्सिक्वेंटली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन दी फॉरेस्ट सेक्टर, इट रिमेन इन इम्बैलेंस एंड एम्ड मेनली एट कैप्चरिंग बेनिफिट्स दैट आर विजिबल एंड बेस्ड ऑन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। इट इज नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोप्रिएट वैल्यू दी आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन वेलफेयर डेवलपमेंट, बट दी पैटर्न ऑफ चेंज इन सच कंट्रीब्यूशन शुड बी अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न टू फॉरेस्ट प्रोफेशनल्स एंड अदर इंटरेस्टेड इन फॉरेस्ट वेदर दैट इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम सर्विसेज और इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एसे ऑन व्हाट, ऐसे जो टॉपिक था हमारे पास, ऐसे का टॉपिक क्या है भाई, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। ठीक है, तो इसमें हमने फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या क्या हमने देखा यहाँ पे। सो फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया रहेगा भाई।
सो फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट मिस मैनेज रिसोर्स इन मैनी कंट्रीज दिस इज पार्टली बिकॉज फॉरेस्ट आर सीरियसली अंडर वैल्यूड एंड मैनी ऑफ देयर इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स आर नॉट कैप्चर्ड बाई द मार्केट वैल्यूज अनकोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज लाइक हमारे पास एग्रीकल्चर माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज जो हैं दे अफेक्ट द फॉरेस्ट कवर एंड जो पुअर गवर्नेंस देखने को मिलता है करप्शन की वजह से रेंट सीकिंग बिहेवियर या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ के वजह से है ना सो उसकी वजह से हमारे पास दिक्कतें देखने को मिलती हैं अंडर वैल्यू किया जाता है एंड हमारे पास सेम टाइम पे हम अगर बात करें चीज़ों की सो फॉरेस्ट जो थे ग्रीन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई बिकॉज हमको इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट को बताना है इकोनॉमिक एक्सीलेंस के लिए हमको फॉरेस्ट की केस स्टडीज कैसे हैं फॉरेस्ट हम कैसे इकोनॉमिक एक्सीलेंस को मेजर कर सकते हैं वो हमको बताना है यहाँ पे ठीक है सो एट द सेम टाइम फॉरेस्ट हैव अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन ग्रीन ग्रोथ ठीक है सो एट द सेम टाइम फॉरेस्ट हैव अ क्रिटिकल रोल इन ग्रीन ग्रोथ ठीक है फॉरेस्ट का रोल हम किस में बात करें ग्रीन ग्रोथ में फॉरेस्ट कैन हेल्प मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड फाइबर फ्यूल शेल्टर एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स और बायो प्रोडक्ट्स एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज टू 9 बिलियन पीपल बाय 2050 बिकॉज फॉरेस्ट जो थे एक तरह से सोलर पावर्ड रिन्यूएबल स्टोर कार्बन को स्टोर करते हैं भाई जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो एक तरह से ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे मिटिगेट करते हैं क्लाइमेट चेंज को एंड एक तरह से नॉन रिन्यूएबल जो मटेरियल्स हैं उनको सब्सिट्यूट करते हैं यार लाइक फॉसिल फ्यूल को ऑल्सो जो फॉरेस्ट सेक्टर इट इज इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जॉब्स पर्टिकुलरली हम बात करेंगे रिमोट एरियाज की है ना जहाँ पे इकोनॉमिक अल्टरनेटिव बहुत कम है और क्या है भाई वर्ल्ड बैंक एंड जो प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट की रिपोर्ट की बात कर सकते हैं हाउस एट बैंक जो कि कहाँ पर हुआ था वर्ल्ड बैंक में हुआ था ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है टू स्टीयर इकोनॉमिक पॉलिसीज की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे बनानी चाहिए भाई हमको इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो फॉरेस्ट फ्रेंडली हो है ना जिससे हमको करना है हमारे पास ध्यान देना है गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में इन फॉरेस्ट सेक्टर ऑल्सो जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है यार है ना इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें ऑल्सो जो प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेस्ट सेक्टर इन डेवलपिंग इज 7 टाइम्स ग्रेटर देन द अदर ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर फॉरेस्ट सेक्टर ठीक है तो जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है डेवलपिंग फॉरेस्ट सेक्टर वो ज़्यादा है भाई इट इज एसेंशियल टू एंगेज द प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग द स्मॉल मीडियम फॉरेस्ट एंटरप्राइजेस टू अचीव इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ अगर हम वर्ल्ड के बारे में बात करें तो गैबन एक कंट्री है जिसमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है इन गबन अ कंट्री रिचली एंडाउंड विद फॉरेस्ट रिसोर्सेज द गवर्नमेंट कंसिडर फॉरेस्ट अ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रिसोर्स रिफॉर्म सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक हैव हेल्प मेक द अवार्ड प्रोसेस फॉर कंसेशन इंक्रीजिंगली कंपिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट फॉरेस्ट टैक्सेशन रिकवरी हैज़ बीन स्ट्रेंथन राइजिंग फ्रॉम 40% टू 80% टैक्स कलेक्शन रेट फ्रॉम 2005 2010 अबाउट 85% ऑफ द प्रोडक्टिव फॉरेस्ट आर और फॉरेस्ट एरिया आर नाउ एंगेज इन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एज अ रिजल्ट दिस जो रिफॉर्म्स हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट सेक्टर टू गैबन GDP ग्रो फ्रॉम 2.5% इन 2004 टू 4.7% इन 2009 इन इंडिया अगर इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश सपोर्टेड फॉर और आंध्र प्रदेश सपोर्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम फॉरेस्ट बेस्ड एंटरप्राइज इंक्रीज रियल कैश इनकम रियल कैश इनकम अमॉन्ग्स द फॉरेस्ट यूजर ग्रुप बाई 53% ओवर द प्रोजेक्ट पीरियड जो सीजनल आउट माइग्रेशन से वो भी कम हो गया बाई 23% एंड द क्वालिटी ऑफ डेंस फॉरेस्ट कवर इन दिस एरिया इंक्रीज एज वेल फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री दे प्रोवाइड सेवरल गुड्स विच सर्व एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज वुड ग्रोन इन द फॉरेस्ट सर्व एज अ सोर्स फॉर वॉट एनर्जी फॉर रूरल हाउस होल्ड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड एंड वन रादर रिलायबल इंडेक्स ऑफ द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज इट्स पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ पेपर एज अ इकोनॉमी डेवलप इकोनॉमिकली पेपर इज यूज एज पैकिंग मटेरियल इन कम्युनिकेशन इन सोर्स ऑफ अदर यूजेस नो रियली सेटिस्फैक्ट्री सब्सटीट्यूट ऑफ पेपर एग्जिस्ट फॉर मैनी ऑफ इट्स वैल्यूज
वाइल इट हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज दैट फॉरेस्ट प्ले मैनी रोल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग वुड फाइबर फॉर मैनी यूजेज, द नॉन वुड आउटपुट्स ऑफ फॉरेस्ट आर कमिंग इंक्रीजिंगली टू बी रिकॉग्नाइज एंड वैल्यूड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. फॉरेस्ट हैव वाटर शेड वैल्यूज है ना, स्पेशली इन एरियाज विद फ्रेजाइल एंड ईजिली इरोडेड इको सिस्टम. द ट्री कवर मे बी हाईली वैल्यू और ट्री कवर मे बी हाईली वैल्यूएबल सिंपली एज प्रॉब्लम टू द वाटर शेड और एज प्रोटेक्शन टू द वाटर शेड. वाटर शेड को बना के रखता है यार. फॉरेस्ट आर वैल्यूड एज अ प्लेस ऑफ आउटडोर रिक्रिएशन. द काइंड ऑफ फॉरेस्ट मोस्ट वैल्यूज फॉर आउटडोर रिक्रिएशन आर नॉट ऑलवेज द सेम एज द काइंड ऑफ मोस्ट वैल्यूड फॉर वुड प्रोडक्शन. ठीक है, ऐसा नहीं कि जहाँ पर वुड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है वहीं पर भी ज़्यादा रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो. ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वुड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, तो वाइस वर्सा भी सही नहीं है. सो डेंस फॉरेस्ट विद ट्रीज क्लोजली स्पेस टेक फुल एडवांटेज ऑफ द सनलाइट मॉइस्चर एंड फर्टिलिटी टू ग्रो वुड इन इज ऑफन लेस अट्रैक्टिव टू द रिक्रिएशनिस्ट दैट ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट मानते हैं वो. नेक्स्ट क्या है भाई, फॉरेस्ट आर द होम्स फॉर मैनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग मैमल्स रेप्टाइल बर्ड्स एंड सम ऑफ दिस फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ आर क्लियरली वैल्यूएबल टू मैन. इकोलॉजिस्ट हैव बीन मच डिस्टर्ब एट द रिडक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ नंबर सम टाइम टू द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन एज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड. सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड बाई फॉरेस्ट आर वाटर. फॉरेस्ट एब्जॉर्ब रेन वाटर एंड रिलीज इट ग्रेजुअली इन टू द स्ट्रीम्स. इट प्रिवेंट्स वॉट फ्लड. वाटर शेड की बात की, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है. फॉरेस्ट कीप सॉइल फ्रॉम इरोडिंग इन टू रिवर्स क्लाइमेट. फॉरेस्ट स्टेबलाइज अवर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी. रिक्रिएशन तो हमने देखा, फॉरेस्ट सब पीपल डायरेक्टली फॉर रिक्रिएशन. नेशनल पार्क जो थे, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, सेंचुरीज जो है, आर अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट. बायोस्फीयर रिजर्व आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएटेड टू डील विद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सस्टेनेबल यूज. इन बायोस्फीयर रिजर्व लोकल एरिया रिसोर्सेज आर डेवलप्ड. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर अलाउड टू द लोकल कम्युनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड टू द पीपल. टूरिज्म इन पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व ब्रिंग रिवेन्यू टू द अथॉरिटीज दैट मैनेज दैम. मेंटेनेंस ऑफ द पूल ऑफ जेनेटिक रिसोर्स. फॉरेस्ट जो है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज कंटेन करते हैं, हैबिटेट्स एंड जीन्स दैट आर और दैट कैन प्रोटेक्ट कमर्शियल प्लांट स्ट्रेन्स अगेंस्ट चेंजिंग कंडीशन ऑफ क्लाइमेट. ऑल्सो कुछ गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं. सम गुड्स प्रोवाइड बाई द फॉरेस्ट आर फूड, बायोस्फीयर पल्प, पेपर, रेयन, फाइबर्स, लाक, वुडन पार्टिकल्स एंड वुडन आर्टिकल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स. इवन इफ ओनली द फॉर्मली रिकॉग्नाइज है ना, यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें, अगर इसका यहाँ पे कितना इसका इकोनॉमिक वैल्यू है. इवन इफ नॉट द फॉर्मली रिकॉग्नाइज ऑफिशियली रिपोर्टेड मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट टू द इकोनॉमिक्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड आर टेकन इन टू अकाउंट. दे एक्सीड वॉट, दे एक्सीड US $250 billion, easily more than the double of the total developmental assistance and more than the annual global output of the gold and silver combined. This direct cash exchange contribution of the forest represent approximately 1% of the global output. Data gaps and absence of the reliable information are major problems in estimating the economic contribution of forest beyond what is available in official reports. Country and region specific efforts indicate that where such data are reliably available, the non-cash economic contribution of the forest to the household and the national incomes or national economies range between 3 to 5 times the formal recognized cash contribution. In addition to their direct cash and non-cash economic contribution, forests also provide substantial level of employment. More than 13 million people are employed in the forest sector activities in the formal sector. In the informal sector of small and medium forest enterprises, another 40 to 60 million people may be employed. Once again, however, the lack of systematic data makes it very nearly impossible to estimate closely how many people are engaged in the forest sector. Estimates of the number of people deriving direct and indirect benefit from the forest in the form of employment, forest product and direct or indirect contribution to the livelihood and income range between 1 billion to 1.5 billion. And unlike most other sector, forests also contribute massively to the ecosystem services that human values, even if they are not traded or even if
इट इज़ डिफिकल्ट टू पुट एन इकोनॉमिक फिगर ऑन दैट वैल्यू. डिफरेंट इकोनॉमिक वैल्यूएशन स्ट्रेटजीज पैक द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विस फ्रॉम फॉरेस्ट इन द नेबरहुड ऑफ एडिशनल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर. द एब्सेंस ऑफ एग्रीगेटेड डाटा ऑन द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटेड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर वैल्यूज एंड द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कैन इनकॉर्पोरेट सर्च डाटा सिस्टमेटिकली आर द मेजर बॉटल नेक इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉरेस्ट कंट्रीब्यूशन. दे ऑल्सो रिप्रेजेंट अ डेफिशंसी वैन इट कम्स टू इम्प्रूव मैनेजमेंट सो एज टू एनहांस द टोटल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट. इंडीड एफेक्टिव एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट फ्रॉम फॉरेस्ट हैज मीट एंड ओवर एम्फेसिस ऑन फॉरेस्ट गवर्नेंस सिस्टम ऑन मैनेजिंग फॉरेस्ट फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर हाईली विजिबल फॉर्मली रिकोगनाइज एंड विथ कैश मार्केट वैल्यू. This imbalance means that official management system are ill-equipped to improve the larger economic benefit forests provide through the non-cash valued products and services. Consequently, investment in the forest sector remain in imbalance and aimed mainly at capturing benefits that are visible and based on monetary exchange. It is necessary to organize and appropriately value the outstanding economic contributions of forest to human welfare and development. But the pattern of change in such contribution should be major cause of concern to forest professionals and other interested in forest whether that interest is related to ecological sustainability, ecosystem service and economic benefits. तो इस प्रकार से हमने conclude किया यार. So this is all about the है ना essay on what forests are the best case studies of economic experience जो कि 2022 में आया था यार.